हेलो गाइस माई सेल मितेश कुमार फाउंडर ऑफ एजुकेशन जी ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल बैनेट यूनिवर्सिटी का फुल रिव्यू इस वीडियो में करेंगे और देखेंगे कि इसका प्लेसमेंट क्या है फीस क्या है स्कॉलरशिप कितना मिलता है स्टूडेंट का और प्लेसमेंट क्या है सीन कॉलेज का फैकल्टी क्या है इंटरनल बातें को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इस कॉलेज को एस्टेब्लिशमेंट किस ग्रुप ने किया है हाँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको बैनेट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे कि कौन कौन कोर्सेज भी अवेलेबल है क्या मेरे को इस कॉलेज में ज्वाइन करने में क्या एडवांटेजेस है डिसएडवांटेजेस है क्या चीजें हैं वो सारा चीज इस वीडियो में हम देखेंगे इस वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी बैनेट यूनिवर्सिटी का दूसरा चीजों को सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आई विल डेफिनेटली प्रोमिस इट यस आगे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैनेट यूनिवर्सिटी के ओवरव्यू से यस ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये जो यूनिवर्सिटी है ये 2016 में एस्टेब्लिश हुआ था येस yes, ये न्यू यूनिवर्सिटीज़ है बट ये यूनिवर्सिटीज़ उनमें हैं जो नए होने के बावजूद जल्दी ग्रो किए हैं बिकॉज ये टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रुप है क्या है ये टाइम्स ऑफ इंडिया जिसका न्यूज़पेपर आ जानते हो न्यूज़ चैनल जानते हो उन्हीं का ये कॉलेज है एक वेल इस्टेब्लिश्ड ग्रुप का कॉलेज है जिसके कारण ये जो यूनिवर्सिटी है ये जल्दी ग्रो किया है

फिफ्टी दो सौ पचास रुपया में आपको फॉर्म फिल हो जाएगा यह आपके सहूलियत के लिए बनाया गया है ताकि आप मैक्सिमम ऑफ स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सको यस अगर बात बात कर ले नेक्स्ट करते हैं यूनिवर्सिटी का कि इसका मेन आप देख सकते हो यह अच्छे लोकेशन पे बना हुआ है और इसमें बैलेट यूनिवर्सिटी का जो रूम देख सकते हो डिस्कशन रूम है ऑफिस रूम है कैंपस है ये सारे आपके लिए मैं कुछ पिक्चर इकट्ठा किया हूं बात कर लेते हैं बीटेक इसमें स्टडी होता है बीसीए होता है इसमें अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो बैनेट यूनिवर्सिटी में लगभग सारे कोर्सेज हैं जो आपको एडमिशन लेने के लिए चाहते हैं येस yes, इसमें बीटेक कंप्यूटर साइंस अवेलेबल है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल सिविल ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है बी ए एल डिजाइन के कोर्सेज अवेलेबल है हम लोग देखेंगे बैनेट यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के बारे में जैसे इसमें बीटेक का कोर्स अवेलेबल है बीटेक का कोर्स अवेलेबल है बीसीए कर सकते हैं फाइव स्पेशलाइजेशन भी इसमें अवेलेबल है यस, बीए, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में अवेलेबल है ये सबसे इसका डिमांडिंग चीज़ है क्योंकि ये टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का है इसीलिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में लोग बहुत ज़्यादा एडमिशन्स लेते हैं बी फिल्म टीवी एंड वेब सीरीज इसमें भी कोर्स अवेलेबल है बी एल एल बी है इसमें बी बी अवेलेबल है बी ए लिबरल आर्ट्स अवेलेबल है एम कर सकते हैं एम में भी इसकी बहुत अच्छी रैंकिंग है एन में अभी रैंकिंग इसका नहीं हुआ है क्योंकि ये न्यू कॉलेज है इसमें पीजी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग अवेलेबल है डिजिटल जर्नलिज्म एंड फिल्म टीवी एंड वेब सीरीज का भी सारे चीज इसमें अवेलेबल है तो आपने ये देख लिया कि इन कोर्सेज में आपका एडमिशन बैनिट यूनिवर्सिटी में हो सकता है ये जो कैंपस है वो परी चौक ग्रेटर नोएडा के पास स्टेब्लिश है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है आप इस कॉलेज में जा सकते हैं यस yes. अगर हम रैंकिंग की बात करें तो सेकेंड बेस्ट बी टेक प्रोग्राम इन इंडिया इसका अच्छा रैंकिंग है बी टेक के लिए जिसमें बहुत सारे स्पेशलाइजेशन भी अवेलेबल है यस थर्ड बेस्ट प्रोग्राम इन बीबीए बीबीए के लिए नंबर 1 बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ये तो नंबर वन होगा ही क्योंकि इसका ज्यादा डिमांड आता है एमबीए मीडिया मैनेजमेंट नंबर वन मीडिया ग्रुप का है एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स बाय नंबर वन बिजनेस डेली आप बीए पीजीडीएम ये सारे कोर्सेज यहां पे कर सकते हो फी स्ट्रक्चर देखोगे तो ट्यूशन फी जो बीटेक का है वो 3.5 लाख पर ईयर है यस yes. इसमें हॉस्टल का अगर चार्ज बात कर ले तो लगभग में हॉस्टल यहाँ देख सकते हो डेढ़ लाख रुपया वन पॉइंट फाइव लाख रुपीज़ पर ईयर इसका हॉस्टल के चार्ज है यस बट इस इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आप इसके अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे और टेस्ट दोगे तो आपको स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है इसमें बहुत सारे स्कॉलरशिप इसमें अवेलेबल है आप देख सकते हो यस अगर बात कर ले बीटेक टेक का यहाँ पे सारे चीज टेन थाउजेंड ज्यादा आपको फीस में पे करना पड़ेगा एनआरआई कोटा के लिए भी यहाँ फीस अवेलेबल है अगर एडमिशन प्रोसीजर की बात कर ले तो जो आपको लिंक देंगे अप्लीकेशन फॉर्म का उसको अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर लेना है टू हंड्रेड फिफ्टी रुपीज में आपको अप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा जो डेट बताया जाएगा उसमें टेस्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो टेस्ट आप घर से भी दे सकते हो ये ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर जनरेट होगा उसके बाद आप कर कर सकते सकते हैं हैं और आपको आपको आगे का प्रोसीजर, क्लासेस, भी कर सकते हैं। ये सारे प्रोसीजर जो मैंने आपको बता दिया है यहां पे देख सकते वो सारे है, ये आप देख सकते सकते सारे चीजें ये सब आपको फोर्थ जुलाई ये सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा अब देखेंगे कि का प्लेसमेंट क्या है बेनेट यूनिवर्सिटी का बीटेक का भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है आप यहां देख सकते हो कि जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 8.6 लाख रुपीस का एवरेज प्लेसमेंट है हाईएस्ट है 44 लाख रुपीस का और 190 कंपनीज पार्टिसिपेट की है अभी प्लेसमेंट ड्राइव में यस टोटल अगर बात कर दिया जाए तो 24 लाख पर एन का टॉप 10 परसेंट आय स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है यह बड़ी बात है एडोवे अमेजोन अमेजोन वेब सर्विसेज कैप सिस्को आप यहां पे देख सकते हैं कोका कोला ये सारे कंपनीज प्लेसमेंट के लिए विजिट कर रखी है इसीलिए अगर बात कर ले प्लेसमेंट का तो अच्छा रिकॉर्ड रहा है प्लेसमेंट के लिए क्योंकि इनका जो एलुमिनाई है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का ये अच्छा है इसके रीज़न से इनका प्लेसमेंट हो रहा है एकेडमिक कोलेब्रेशन फ्लोरिडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी यूएसए से है इसका और यहाँ देख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ नेवास का ओमा ये भी यूनिवर्सिटी से इसका टाइप्स से कि स्टूडेंट का एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए क्लियर है हाँ उसके बाद इंडस्ट्रियल कोलेब्रेशन भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका प्रैक्टिकल्स कराना है तो आपको इंडस्ट्री ले जाके विजिट कराएंगे तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो डेल के साथ माइक्रोसॉफ्ट एडब्ल्यू एस ये सभी के साथ इनका इंडस्ट्री कोलेब्रेशन है और इंटर्नशिप लगभग चौदह लाख पर एम पर भी इंटर्नशिप कंपनीज में स्टूडेंट को लगता है एडवांटेजेस क्या है इस कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए पहला मैं ये कहूंगा कि एक्सपर्ट के द्वारा एस्टेब्लिस्ड कॉलेज है जो ऑलरेडी मार्केट में स्टेब्लिस्ड है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप सेकेंड बात यह है कि इस कॉलेज में आपको फैकल्टी जो क्वालिफिकेशन मिलेगा फैकल्टी का वो बहुत हाई मिलेगा यस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये तो लीडरशिप ये सब तो जानते ही हैं चलिए इसको बताने की जरूरत नहीं है मैं यहाँ बात करूँगा फैकल्टी के बारे में जो भी प्रोफेसर्स है जो भी पी होल्डर होल्डर्स सारे के सारे फैकल्टी है जिनका एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन में बहुत अच्छा है और इनका स्टडी भी बहुत अच्छे जगह से करके आए हुए हैं मैं आपके सामने कुछ फैकल्टी के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि इसका एक यूएसपी भी है मेन पॉइंट भी है फैकल्टी हाई क्वालिटी फैकल्टी है इनके यस डॉक्टर दीपक गर्ग पीएचडी थापर यूनिवर्सिटी डॉक्टर शिवानी गोयल पीएचडी थापर यूनिवर्सिटी डॉक्टर अनुराग गोस्वामी यूएसए से पीएचडी करके आए हैं डॉक्टर सुनीत कुमार गुप्ता पीएचडी आईआईटी आईएसएम आई धनबाद डॉक्टर तनवीर अहमद पीएचडी आईआईटी इंदौर मतलब लगभग जो फैकल्टीज है वो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से है या आई से है या स्टडी फॉरन से करके आए हैं तो फैकल्टी एक मैटर करता है किसी भी यूनिवर्सिटी को आगे ले जाने में इसलिए ये इतने कम समय में यूनिवर्सिटी आगे आ गई है यस अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि चलो सर फैकल्टी तो ठीक है आप नेक्स्ट ये बताओ कि इसमें हमें प्रॉब्लम क्या है डिसएडवांटेजेस क्या है इसमें सबसे पहला जो आ, अगर कौन की बात कर ले तो इसका फीस हाई होता है यस yes. फीस हाई है तो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन मेरे मेरा एक सजेशन यहाँ पे है कि आप टेस्ट को अपियर करें जो डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं वो ऑफिशियली कॉस्ट वन थाउजेंड है आपको जो कॉस्ट हो जाएगा टू फिफ्टी रुपीज़ का फॉर्म अप्लीकेशन फॉर्म है आप इसको फिल कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे एक्सपर्ट से इस नंबर पर बात कर सकते हैं आपको पूरा गाइडेंस देंगे कि आपको कैसे कैसे फॉर्म फिल करना है और आपको पेमेंट में कोई इशूज होगा तो वो भी वह आउट कर देंगे टू फिफ्टी में फॉर्म में फॉर्म फिल करें और स्कॉलरशिप आप यहां अच्छा खासा ले सकते हैं तो स्कॉलरशिप ले क्योंकि स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करने पे ज़्यादा स्कॉलरशिप अवेलेबल हो जाता है यस yes. सेकेंड अगर कोई बात हो सकता है तो ये कि थोड़ा सा न्यू कॉलेज है यस एक पॉइंट आ सकता है आपके नज़र में लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जा सकता है कि ये किसने ओपन किया है क्या सिर्फ इनका पहला ऑर्गेनाइजेशन है नहीं इनका बैकग्राउंड अच्छा है तो इस पर हम लोग ज़्यादा सोचेंगे नहीं बस यही सब थोड़ा सा इशूज़ आ सकते हैं स्टूडेंट को बाकी बात कोई दिक्कत नहीं है आप इस कॉलेज को फिजिकली विजिट करके भी देख सकते हो कि हमने जो बातें बताई वो अप टू द मार्क टोटल है कि नहीं है हाँ अगर आपको कोई बातें बताना है नया चीज ऐड करना है तो आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो जब बताएंगे इस कॉलेज के बारे में तो अपडेट कर देंगे अगर कोई चेंजेज आता है मेरे पॉइंट में तो क्लियर है मिलते हैं अगले वीडियो में बाय टेक केयर सी यू अगेन